राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे राधे। बांके बिहारी में बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्योंकि एक बार भगवान किसी भक्त के पीछे भाग गए थे। उस भक्त का नाम क्या है? वो एक भक्त मैया थी, उन्हीं के पुत्र बन के फिर राजस्थान में, आपने नाम सुना होगा, रामदेव भगवान। हाँ। उनकी माँ, वो भगवान बिहारी जी फिर रामदेव बन के प्रकट हुए। रामदेव जो राजस्थान में उन्हें भगवान के तुल्य मानते हैं, जो उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, तो वो बन के उनकी माँ के साथ चले गए थे। ठीक है, खुश रहिए। आप सब इकट्ठे हो गए तो कैसे वो? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे राधे। बेटा वो ब्लैक कपड़े पहनी बेटी, उसको देना। बस मेरा ये सवाल है कि भगवान जी वो यानी कैसे धरती पे आए? कैसे धरती पे आए? हाँ, जैसे राम जी ना प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट हुए, फिर उनने आपकी तरह लीला की। ऐसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे खेल कूद करते हैं, ऐसे भगवान भी खेल कूद करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, हमारा भाग्य कौन बनाता है? हम खुद। हमारा भाग्य भगवान नहीं बनाते हैं? ना, भगवान तो केवल लिखते हैं। आप कचहरी जाओगे तो आप यदि किसी के नाम की वसीयत तैयार करेंगे तो आप ही बताएंगे ना कि फलानी जमीन उसके नाम फलाने, आप बताते जाएंगे वो लिखता जाएगा। उसी प्रकार आपके अच्छे बुरे कर्म को देख के परमात्मा लिख देते हैं, बुरे का फल बुरा, अच्छे का फल अच्छा, भाग्य तैयार। और मेरा दूसरा सवाल है कि ये पृथ्वी पहले किस में लीन थी और अभी किस में लीन है और आगे किस में लीन होगी? हमने आपको बताया, एक दिन बताए जी, ये साइंटिफिक पूरी बातें कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, पृथ्वी किस पर स्थित है ना, हम बताए थे आपको। सबसे पहले पांच तत्वों को समझना पड़ेगा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो समझो, आकाश जो है, माइक दो बेटा बच्चे को, माइक जो आकाश है ना, आकाश से वायु उत्पन्न होती है। आकाश से क्या निर्मित हुई? वायु। आकाश का आधार क्या है? वायु। वायु का आधार क्या है? वायु से क्या तैयार होती है? वायु से अग्नि तैयार होती है। वायु का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार जल है, और जल का आधार पृथ्वी है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी जो है जल पर स्थित है और जल पृथ्वी पर है। कैसे? जैसे आप तालाब में एक कमल का पुष्प फेंक दीजिए तो वो कमल का पुष्प पानी में बिल्कुल स्मूथली पड़ा रहेगा, उसी प्रकार समुद्र, उस प्रकार जल में ये पृथ्वी पड़ी है आराम से, बिना विघ्न के, आनंद पूर्वक। तो पृथ्वी का आधार जल है और जल का आधार पृथ्वी, दोनों एक दूसरे के पूरक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार वक्त हमारा बहुत अच्छा होता है, किसी टाइम ऐसा वक्त आ जाता है, अभी ऐसा क्यों होता है, हमसे क्या ऐसी गलतियां हो जाती है, हमारा है वक्त ऐसा? नहीं नहीं नहीं, गलतियां नहीं होती मेरी माँ। अब बताओ आपने कौन सी गलती की कि आप देखो रात हो गई, आपने कोई गलती की कि रात हो गई? नहीं, गलती तो नहीं, क्या ऐसे भूल हो जाए भी, नहीं, कुछ नहीं, जो भगवान आपसे क्या भूल हो गई कि रात हो गई, बताओ। जैसे रात और दिन किसी के भूल का परिणाम नहीं है, वो तो अपने धुरी पर चल रहा है समय, दिन के बाद रात, रात के बाद, उसी प्रकार हानि के बाद लाभ, लाभ के बाद हानि, सुख के बाद दुख, दुख के बाद, इसलिए ये क्रम चलता है गोल गोल, इसलिए कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी हंसी कभी रोना चलता रहे, इसलिए हर हाल में खुश रहना चाहिए, हैप्पी। नहीं, खुश तो रहते हैं महाराज, बस फिर तो ये चलता रहेगा। एक क्वेश्चन मेरी बहन का था महाराज जी, बठिंडा से सिस्टर है, वो कहती है जैसे भागवत कथा का आप इतना ज्ञान देते हैं, अभी ऐसे शिव पुराण का भी हमें ज्ञान दे। देंगे, जरूर देंगे, जरूर भी शिव पुराण के बारे में भी हमें पता चलेगा, जरूर देंगे। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, हमारा पूरा फैमिली आया है। गुरु जी आपसे एक प्रश्न पूछना था हमें कि लोग बोलते हैं कि जैसे घर में पत्थर की मूर्ति नहीं रखना चाहिए,
घर में किसकी मूर्ति? जैसे पत्थर की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, पीतल की मूर्ति रख सकते हैं। गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी धातु के होते हैं ना, रख सकते हैं। जैसे और कोई मूर्ति भगवान को हो तो नहीं रखना चाहिए? नहीं, शालिग्राम जी भी रख सकते हैं, शालिग्राम जी तो रखनी चाहिए जी। गुरु जी कल मेरी एनिवर्सरी है, आपसे गुरु दक्षिणा लेना है। कल सुबह कितने बजे आएंगे? 7 बजे जी। खुश रहे। अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो प्रश्न रहेगा। अच्छा उनको देव बेटी को दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है कि कृष्ण भगवान की शादी पहले रुक्मिणी से हुई थी या राधा जी? राधा जी से। राधा जी से तो सभी लोग बोलते हैं कि रुक्मिणी जी से हुई थी, रुक्मिणी जी उनकी फर्स्ट। पहले राधा जी से हुई है? नहीं, द्वारिका में, द्वारिका के हिसाब से चलेंगे तो पहली पत्नी उनकी रुक्मिणी जी ही है, पर रुक्मिणी जी की शादी तो भगवान से द्वारिका में हुई, पर यहाँ वृंदावन में 11.5 साल के अंदर ही ठाकुर जी की शादी राधा जी से हो गई थी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से मतलब? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से? हाँ। और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि सारे पाप एकादशी के दिन चावल में समाते हैं, इसलिए नहीं खाते। राधे राधे। राधे राधे।